चेंबूर के वाड़ौली विलेज में श्री जरीमरी श्री गांवदेवी नवरात्रोत्सव मंडल द्वारा माता की पालखी का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालु पहुंचे। सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि नेता, उपनेता, विधायक, नगर सेवक सभी ने पहुंचकर माता के दर्शन किए। वाड़ौली गांवाची ये परंपरा है। वाड़ौली गांव तो ये जरीमरी माता मंदिर है, खूब पुरातन मंदिर है। आणि हा नवरात्र उत्सव सालाभरात प्रमाणे दरवर्षी साजरा होतो। दरवर्षी जोमाने वाड़ौली गावातील सर्व नागरिक रहिवासी इथे येतात, देवीची पालखी येतात, गावामध्ये अख्ख्या फिरवतात। हा उत्सव खूप चांगल्या पद्धतीने साजरा होतो दरवर्षी। वाड़ौली गावातलीच नाही तर चेंबूर परिसरातील अनेक देवी भक्त इथे येत असतात या पालखीला। हे वाड़ौली गाव का कुलदैवत आहे और मराठीमध्ये बोलतात त्याला नवसाला पावणारी देवी आहे। आज मी आमदार आणि माझी सून नगरसेवक आहे, तिच्या आशीर्वादानेच आहे। आमच्या अविनाश शेवाळेने नवस केला होता की आम्ही निवडून होते, देवीने निवडून दिलं आहे, म्हणून ही नवसाला पावणारी देवी आहे। आणि सर्व आणि 150 वर्षाचं मंदिर आहे आणि जे काही अडेअडचणी आहेत त्या देवीने दूर केलेल्या आहेत आणि नवसाला पावणारी देवी आहे, समाधानाची। ये वाड़ौली गांव का बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत खुशियाँ छाई हुई है। मैं सबको शुभेच्छा देता हूँ, खुशहाली देता हूँ। देखिए जरीमरी नवरात्र उत्सव मंडल गंदम पर ये 45 वर्ष है, ये 45 ईयर चल रहा है। हर साल यहाँ पे अष्टमी के दिन नवचंडी का होम हवन होता है और यहाँ के सभी पंचकोशी से लोग भक्तगण, देवी के भक्तगण यहाँ पे उपस्थित होते हैं बड़े उम्मीद से और प्रसन्नता से और जल्लोष के वातावरण। भक्तगण यहाँ पे देवी की पालकी निकालते हैं, पूरे गांव में ये पालकी उठी है। घर घर में जाके देवी का सम्मान होता है, देवी की पूजा अर्चना होती है हर घर घर में। आज आप देखेंगे कि अभी 8:30 बजे पालकी निकली है यहाँ से मंदिर से और पूरे गांव से पूरी परिक्रमा करते हुए हर घर 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 में जाके उसका जो मान सम्मान है देवी का वो लेके देवी की पालकी वापस सुबह 8:30 बजे यहाँ पे आती है। 45 ईयर यहाँ के आयोजकों ने बताया कि किस तरह कई सालों से यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। ये परंपरा 45 ईयर से चल रही है, अगले 5 साल जब 50 ईयर में जाएंगे और यहाँ के पूरे चेंबूर जी ये एक नंबर ऐसी पालकी है जो परंपरा श्रद्धा और रीति अनुसार नवचंडी हवन होता है और पूरे सभी जरीमरी गाँव देवी के भक्त इस नवचंडी हवन के दर्शन लेते हैं और जरीमरी माता गावदेवी माता को ओटी भरते हैं। यही मान्यता है, यही परंपरा है यहाँ वाड़ौली गांव का। मैं यहाँ पर खाली नागरिक हूँ। वाड़ौली गांव के जो उनके बाप दादा के ज़माने से ये वाड़ौली गांव है। ये मंदिर बसाने में इनके ग्रैंड फादर मतलब इनके पिताजी के पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है। वाड़ौली गाँव के जो से नागरिक है वो सबके मिल के ये मंदिर बनाया हुआ है और गए 45 साल से ये नवरात्र उत्सव यहाँ पर बड़े जोर जोर से मना जाता है। जब भी 2-2 रुपया लोगों से इकट्ठा करते, अभी सब तरुण जो यंग लोग हैं यंगस्टर हैं वो सब मिलकर करते हैं। वाड़ौली गांव के सब महिला मंडल सब नागरिक मिलकर एकत्र एक साथ आके ये नवरात्र उत्सव बड़े जोशों से यहाँ होता है। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक लोगों की चहल पहल यहाँ पर रहती है।
अलग अलग कलर का पेरा करके नवरात्र उत्सव यहाँ पर बने दोस्तों से मनाया जाता है और आई जरी मरी का आशीर्वाद है वाड़ौली गांव के ऊपर। और आज ही ये मंदिर तोड़ने के लिए गए कुछ 6-7 महीने से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का नोटिस आया था, लेकिन हमारे हमदार तुकाराम जी खाते और हमारे वाड़ौली गांव के लैंडलॉर्ड सुबोध आचार्य शिवसेना के उपनेते और वाड़ौली गांव के सब ग्रामस्थों के आशीर्वाद से ये अ श्रेणी में ए कैटेगरी में लाया हुआ है। इसके आगे इसके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। कैमरामैन साहिल के साथ संध्या श्रीवास्तव, मुंबई।